हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 6 की वर्कशीट 11 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और डेट है इसकी 2 नवंबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत की तुरंत मिल जाए बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे नाउन्स, जो हम पहले भी पिछले वर्कशीट में पढ़ चुके हैं, उसको ही आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इन द प्रीवियस वर्कशीट वी लर्न अबाउट टू काइंड्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। तो पिछले वर्कशीट में हम प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में पढ़ चुके हैं। लेट्स डू सम मोर क्वेश्चंस एंड रिवाइज आवर कंसेप्ट। आओ आज हम उसके कुछ और कंसेप्ट क्वेश्चन करेंगे और उसको हम रिवाइज करेंगे कंसेप्ट को। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रेफर टू द हिंट एंड ऐड एनी वन मोर वर्ड्स टू कंप्लीट द ऑर्डर। हमें हिंट दिए गए हैं और उसकी हेल्प से हमें जो एक और वर्ड लिखना है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो फर्स्ट है जैसे कि हमारे पास पेंसिल बुक स्केल डैश कॉमन नाउन, और यहाँ पे आपको बना प्रॉपर नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होता है बच्चों? जिसका नाम लेने से हमें पूरी जाति का बोध हो जाता है। और प्रॉपर नाउन क्या होता है? जिससे हमें सिर्फ उसका ही पता चलता है। वो क्या होता है? पूरे एक इकलौती चीज के बारे में पता चलता है, मतलब वो एक है, उसका पता चलता है प्रॉपर नाउन से। और कॉमन नाउन से जिससे उसकी पूरी जाति का बोध हो जाए, जैसे पेंसिल, तो ये सभी पेंसिल्स के बारे में बात हो रही है। बुक, सभी बुक्स के बारे में बात हो रही है। अगर ये कहना गंगा जो गीता बुक, तो गीता क्या हो जाएगी? प्रॉपर नाउन। और बुक, खाली बुक के बारे में बात हो रही है, तो किसकी बात हो रही है? कॉमन नाउन के बारे में। स्केल, तो इसकी अब हमें क्या लिखना है? एक और कॉमन नाउन, तो इसमें हम लिखेंगे इरेजर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या है? इरेजर। तो नेक्स्ट आपके पास रोज, जैस्मिन, लिली, ये क्या है? फ्लावर्स के नाम। तो इसमें एक और हम लिखेंगे मैरी गोल्ड। ये क्या हमारे पास? प्रॉपर नाउन। ठीक है, पूरे मतलब क्या है, इससे हमें एक पर्टिकुलर चीज का पता चले कि मैरी गोल्ड के बारे में ही बात हो रही है। अगर ये कहे ना फ्लावर, तो फ्लावर क्या हो जाएगा? सिर्फ फ्लावर कहे तो क्या होगा? वो कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन फ्लावर में हम क्या है, मैरीगोल्ड फ्लावर की बात करें तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कर्ट, पैंट, शर्ट, तो इसमें हम लिखेंगे कुर्ता। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास? कॉमन नाउन। नेक्स्ट है मिक्की माउस, छोटा भीम, इसमें हम लिखेंगे प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन में हम क्या लिखेंगे? डोनाल्ड डक। ये सभी क्या कार्टून के नाम है जो आप देखते हो बच्चों, डोनाल्ड डक। ठीक है बच्चों, क्या है? प्रॉपर नाउन। क्योंकि इसके क्यों, अगर हम सिर्फ कार्टून लिखे तो क्या होगा? वो होगा कॉमन नाउन। लेकिन अगर हम कार्टून में नाम दे दें कि मिक्की माउस के बारे में बात करें, छोटा भीम के बारे में बात करें, तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड रीराइट द सेंटेंस यूजिंग कैपिटल लेटर इन द करेक्ट प्लेस। इसमें आपको प्रॉपर नाउन को क्या करना है? अंडरलाइन करना है, और उसके बाद उसको रीराइट करना है यूजिंग कैपिटल लेटर। क्योंकि हमें पता है प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है बच्चों। जैसे कि लिखे इसने आई मीट डॉक्टर गन डोट्रा टूडे, तो आई इसने अंडरलाइन कर दिया यहाँ पे, मीट डॉक्टर का डी बड़ा हो जाएगा, गन डोट्रा ही क्या नाम है, तो डी बड़ा हो गया इसका, टूडे एज इट इज रहा। तो इसमें क्या हमारे पास ये वाला, मतलब इसको अंडरलाइन कर देना बच्चों, और ये क्या हमारे पास प्रॉपर नाउन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमें एग्जांपल के तौर पे दिया गया था, अब हमें नेक्स्ट करना है राधा मीट सुमन एट जतिन हाउस। तो राधा के इसमें ये भी क्या हमारे पास प्रॉपर नाउन है। ठीक है बच्चों, तो राधा आर ए डी एच ए, मीट सुमन का एस बड़ा हो जाएगा, एट जतिन, जतिन भी क्या है, ये सभी क्या आपके पास, इनको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, जी ए टी आई, जतिन का जे बड़ा कर दिया मैंने, और हाउस एज इट इज लिख देंगे आप। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। नेक्स्ट, सानिया नेहवाल ही इज ए फेमस इंडियन बैडमिंटन प्लेयर, तो इसमें क्या सानिया नेहवाल, ठीक है ये क्या है हमारे पास के प्रॉपर नाउन, इंडियन ये भी क्या प्रॉपर नाउन, बाकी आप क्या करोगे इसका एस बड़ा कर दोगे, सानिया नेहवाल, और इंडियन का आई बड़ा कर दो इंडियन, बाकी आपको एज इट इज लिखना है बच्चों। सानिया नेहवाल इज ए फेमस इंडियन बैडमिंटन प्लेयर, ठीक है, तो आप इसको अंडरलाइन करेंगे और जो प्रॉपर नाउन है उसका फर्स्ट लेटर आप कैपिटल कर देंगे बच्चों।
द रेड फोर्ट इज सिचुएटेड इन दिल्ली. तो रेड फोर्ट क्या हमारे पास प्रॉपर नाउन, और दिल्ली भी क्या प्रॉपर नाउन. तो इसमें आपके क्या करोगे, द रेड फोर्ट का आर बड़ा कर दोगे, फोर्ट का एफ, ही सिचुएटेड, लिख देती हूँ मैं आप सिचुएटेड इन दिल्ली. डी बड़ा हो जाएगा बच्चे कैपिटल, ठीक है. तो आप दिल्ली का डी और रेड फोर्ट का आर और ये बड़ा कर दोगे तो आपका ये क्या बन जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. लुक एट द पिक्चर बिलो एंड आइडेंटिफाई एट लीस्ट 7 कॉमन नाउन्स फ्रॉम द पिक्चर. मेक ए लिस्ट ऑफ द दीज नाउन इन द स्पेस प्रोवाइडेड. तो आपको यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है, इसके हेल्प से आपको कोई भी 7 कॉमन नाउन आपको लिखने हैं, एट लीस्ट 7 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं. तो मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पे आपको दिख रही है बॉल, तो यहाँ पे आप लिखोगे बॉल. नेक्स्ट हमको दिख रहे हैं यहाँ पे ट्री, ट्री भी दिख रहे हैं बच्चे बहुत सारे, तो यहाँ पे आप लिखोगे ट्री. नेक्स्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे गर्ल दिख रही है बहुत सारी, जी आई आर एल गर्ल. फोर्थ है आपके पास बॉय, ये बॉय दिख रहा है आपको, ये गर्ल्स हैं. नेक्स्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे स्विंग, झूले दिख रहे हैं यहाँ पे, ये झूले दिख रहे हैं आपको, तो स्विंग लिखोगे एस डब्ल्यू आई एन जी. नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे कार्ट, ये कार्ट दिख रही है, गाड़ी दिख रही है आपको, सी ए आर टी कार्ट. नेक्स्ट आपको दिख रहे हैं शूज, ये क्या शूज, ये क्या दिख रहे हैं आपको शूज, फ्लावर्स भी लिखते हैं आप, लिख सकते हो आप शूज. ये आपका कंप्लीट हुआ आंसर. और एक ही टॉपिक वो दिया हुआ है बेबी स्ट्रोलर, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है. आपको एटलीस्ट 7 करने थे, अगर आपको और चाहिए तो आप और भी लिख सकते हो, यहाँ पे फ्लावर लिख सकते हो, ठीक है. आप फ्लावर्स भी दिख रहे हैं आपको, ये रहे फ्लावर्स. तो ऐसे जो भी आपको कॉमन नाउन यहाँ पे दिख रहे हैं आप उसको यहाँ पे लिस्ट में लिख देंगे बच्चों. आगे हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द करेक्ट नाउन एंड फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ पे आपको करेक्ट नाउन इनमें से चूज करना है, यहाँ पे फिल करने. जैसे डैश इज द डैश ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिल्ली, दिल्ली का डी बड़ा करना बच्चे यहाँ पे. दिल्ली इज द कैप डैश इज द दिल्ली इज द डैश ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल, यहाँ पे मिलेगा कैपिटल. नेक्स्ट हमारे पास डैश इज गोइंग टू डैश, तो सुनीता इज गोइंग टू द मार्केट, मार्केट ये आपके पास, तो सुनीता इज गोइंग टू द मार्केट. नेक्स्ट है डैश द डैश स्टैंडिंग आउटसाइड द क्लास इज माई डैश, तो आप लिखोगे द बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड द क्लास इज माई फ्रेंड, तो बॉय यहाँ पे लिखोगे आप. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द डैश इज ए स्केयर रिवर, तो कौन सी सबसे पवित्र रिवर है, गंगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे जी ए एन जी, गंगा का आप जी कैपिटल कर देना बच्चों, तो गंगा इज ए सेक्रेड रिवर, तो जो गंगा जो है पवित्र नदी है बच्चों. तो पूरी वर्कशीट बच्चों हमारी कंप्लीट हो गई है. मेरे मुझे लग रहा है कि आपको प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन समझ में आ गया होगा, उसकी प्रैक्टिस भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी. तो बच्चों ये वर्कशीट कंप्लीट कर लीजिए बच्चों अपनी जल्दी से, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वर्कशीट को, वीडियो के लिंक को, ताकि वो भी इस वीडियो के हेल्प से अपनी वीडियो कंप्लीट कर पाए बच्चों. मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ मेमोरियल क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों. थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच.